भारत में सबसे पहले ब्राह्मणों को जन्मजात आरक्षण मिला था और यह आरक्षण आज भी बदस्तूर जारी है। जन्म के आधार पर ब्राह्मणों को मिले आरक्षण का एक मामला केरल में देखने को मिला। केरल में एक मंदिर में कुक की नौकरी निकली है। सैलरी भी 50,000 के पार है, लेकिन शर्त यह है कि नौकरी सिर्फ किसी ब्राह्मण को ही मिलेगी। अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिए। 13 नंबर के आगे लिखा है टेम्पल कुक, सैलरी है 50,200 रुपए तक। लेकिन नीचे नोट वाले सेक्शन में आइए, लिखा है ओनली मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ब्राह्मण कम्युनिटी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यानी इस पोस्ट के लिए सिर्फ ब्राह्मण जाति के पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST या OBC मंदिर में खाना बनाने का काम भी नहीं कर सकते। जो लोग ये कहते नहीं थकते कि दलित पिछड़े भी हिंदू हैं, उन्हें ये पोस्ट देखकर समझ जाना चाहिए कि हिंदू होने का मतलब शायद सिर्फ ब्राह्मण होना ही है। तभी तो मंदिर में खाना बनाने वाले कुक की नौकरी का विज्ञापन भी सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही निकला है। मंदिर के पुजारी बनने का आरक्षण तो ब्राह्मणों को पिछले 5,000 साल से मिल ही रहा है, लेकिन मंदिर के कुक भी सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकते हैं। शास्त्रों में इसे ही ब्राह्मणवाद कहा गया है। वैसे आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ये विज्ञापन केरल की सरकार की ओर से जारी किया गया है। केरला देवसम रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से 11 अक्टूबर को ये विज्ञापन निकाला गया। यानी केरल की कथित प्रगतिशील और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार भी जाति के मामले में ब्राह्मणों के साथ ही खड़ी है। इसे आप सरकारी जातिवाद का मामला भी कह सकते हैं। सारी दुनिया को क्लास के आधार पर बटा हुआ कहने वाले कम्युनिस्ट कास्ट के बंटवारे को अनदेखा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन को लेकर लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने ट्विटर पर लिखा, सुनहरा मौका, केरल सरकार के मंदिर व्यवस्थापन बोर्ड ने मशहूर गुरुवायूर मंदिर के रसोइयों के लिए विज्ञापन निकाला है। सिर्फ ब्राह्मण पुरुष अप्लाई करे, अगर किसी भी तरह की विकलांगता है जिसका बेशक खाना बनाने से संबंध न हो तो अप्लाई न करें। वेतन 50,200 रुपए तक। विज्ञापन में नशाखोरी या नैतिक पतन या गुप्त रोग या वेश्या आदि की लत को लेकर कोई निषेध नहीं है। मौका हाथ से जाने न दें। बहुजन नायक अयंकाली की जमीन केरल पर आज भी जाति कितनी हावी है, इसका अंदाजा आप इस मामले से लगा सकते हैं। पिछले दिनों केरल के सामाजिक कल्याण मंत्री के राधाकृष्णन ने बताया था कि उन्हें खुद जातिवाद का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया था कि एक मंदिर में कार्यक्रम के दौरान उन्हें पुजारियों ने साइडलाइन कर दिया और उनके हाथों से दीप नहीं जलाने दिया। उन्होंने कहा था, मैं एक मंदिर में एक समारोह में भाग लेने गया था। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य पुजारी ने एक दीपक रखा, वो लो लेकर आए और मुझे लगा कि वो मुझे दीपक जलाने के लिए कहेंगे, लेकिन उन्होंने लो नहीं दी बल्कि उन्होंने खुद ही दीपक जला दिया। उस समय मैंने सोचा कि ये किसी रिवाज का हिस्सा है और इसे टोकना नहीं चाहिए। उसके बाद मुख्य पुजारी ने लो को दूसरे पुजारी को सौंप दिया और उसने भी दीपक जलाया। मैंने सोचा कि शायद इसके बाद लो मुझे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लो देने की बजाय उसने लो को जमीन पर रख दिया। उनकी सोच थी कि मैं इसे फर्श से उठाऊंगा और दीपक जला दूंगा। मैंने सोचा कि क्या मुझे ये लो उठाकर दीपक जलाना चाहिए, क्या मुझे इसे फर्श से उठा लेना चाहिए। मैंने कहा, ये तो भाड़ में जाए। आप मेरे दिए हुए पैसों को तो अछूत नहीं मानते, लेकिन आप मुझे अछूत मानते हैं। के राधाकृष्णन के ये शब्द आपको ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत में जातिवाद किस तरह से काम करता है। ऊपर से प्रगतिशील दिखने वाला समाज भी कितना जातिवादी हो सकता है, केरल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। केरल के मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण रसोइये के लिए ही नौकरी आरक्षित है। आपने भले ही बड़े कुकिंग सेंटर से खाना बनाने की ट्रेनिंग ली हो, भले ही आप किसी 5-स्टार होटल के शेफ हो, लेकिन यह मंदिर में कुक तभी बन सकते हैं जब आपने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया हो। एक तरफ तो बहुत से ब्राह्मण दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को कोसते हैं और दूसरी तरफ जाति के आधार पर मिलने वाले इस आरक्षण का लाभ उठाते हैं। शास्त्रों में इसे ही दोगलापन कहा गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB0000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।